Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all doing well. It's a video lecture for class 7 students and the subject is maths. Now open your books. Page number is 17. Today we are going to start our first session, which is about operation on set. We have already discussed the detail of this chapter, so just go through your previous lectures and copy word. Today we are going to do question number 10 of exercise 1, as question number 1 to 9 is all done in your notebooks. Okay, so question number 10 is, find the universal set if A is equals to 1, 3, 5, 7, 9 and A complement is equals to 4, 5, 6, 7, 12. Okay, so you have to find out the universal set by using these two sets. Okay, हम लोगों को universal set find out करना है अगर हमारे पास A set भी given है और A complement भी given है. ठीक है, अगर आपको याद हो जब हम लोग ये chapter discuss कर रहे थे इसकी detail में points, तो आप लोगों ने एक point पढ़ा था in the properties of the complement set. वो point क्या था? The union of a set A and its complement produces the universal set. Okay, अगर मेरे पास एक A set है और उसका complement given है, तो अगर मैं इन दोनों sets का union लूँगी तो वो हम मुझे क्या देगा? Universal set देगा. ठीक है, तो इसी point को मैंने utilize करना है इस question number 10 में. Okay, so solution is, we know that universal, हमें पता है कि universal set कब किसके equal होता है? A union A complement के. Simply आपने A का union लेना है A complement में, और सब आप लोगों को ये भी पता है कि union कैसे लिया जाता है. Union में दोनों sets के element combine करके लिखने होते हैं. ठीक है, but ध्यान रखिएगा कि set में digits repeat नहीं होने चाहिए, कोई भी element repeat नहीं होना चाहिए, otherwise वो set नहीं रहता. ठीक है, अब लाइक इन दिस क्वेश्चन जब मैं इन दो यूनियन लूंगी इन दोनों सेट्स का ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट का, तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो 1, 3, 5, 7, 9, 4, 5 नहीं लिखूंगी क्योंकि वो ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट है. देन 6, 7 भी नहीं क्योंकि 7 भी हो चुका है, ऑलरेडी लिखा हुआ है. एंड देन 12, एंड देन अरेंज करके मैंने इस सेट को लिख दिया, तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट इसके इक्विवेलेंट आ रहा है. ठीक है, ऑल राइट. नाउ नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज, इफ ए सेट इज इक्वल्स टू दिस, बी सेट इज इक्वल्स टू दिस एंड सी सेट इज इक्वल्स टू दिस, देन प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट. अब हमारे पास थ्री सेट्स दे दिए गए हैं और हमें प्रूव करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट. ओके, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या? ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं यूनियन देखती हूँ. ठीक है, मेरे पास दो सेट्स हैं, लेट्स सपोज एक ए सेट है और एक बी सेट है. अगर और मैंने प्रूफ करना है इन दोनों सेट्स के रिस्पेक्ट से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, अब मैं विद रिस्पेक्ट टू यूनियन लेती हूँ, तो मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर मैं ए यूनियन बी लूँगी तो जो उसका आंसर आएगा वो बी यूनियन ए के इक्वल होगा. मींस के ए यूनियन बी जो आंसर देगा, बी यूनियन ए का भी वही आंसर होगा. ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू यूनियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए. और अगर मैं इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट से देखती हूँ तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर ए यूनियन बी आप फाइंड आउट कर रहे हैं और बी यूनियन ए भी आप लोग निकाल रहे हैं, तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए और इक्वल आना चाहिए. ओके, बाकी हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा. अब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली थ्री सेट्स हैं, तो हमें उन्हीं सेट्स के एस्पेक्ट से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स प्रूफ करना है. ठीक है, तो हमारे पास तीन पॉइंट्स होंगे जो हमें प्रूफ करने हैं. ठीक है, लाइक अगर मैं ये दो सेट्स ले लेती हूँ, इन दोनों सेट्स के रिस्पेक्ट से हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या बनेगी? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए. एंड देन जब मैं बी एंड सी सेट लेती हूँ तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन बी बनेगा. और अगर मैं ए और सी सेट लेती हूँ तो ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन ए. अब इसको प्रूफ करने के लिए आपने क्या करना है? एक आपने राइट हैंड साइड लेनी है, एक आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है. पहले राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है आपने. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालना है एंड देन फिर राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है और देखना है कि क्या दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है. अगर वो इक्वल आ रहा है
दैट मीन्स कि आपने कम्यूटेटरी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट प्रूव कर दी है. ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट मैं प्रूव करने जा रही हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास और ये राइट हैंड साइड है मेरे पास. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी है. ठीक है, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी है तो मैंने उसको फाइंड आउट इंटरसेक्शन में, आपको पता है कि इंटरसेक्शन में हम लोगों को कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं. यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कंबाइन करके लिख देते हैं और इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं. अब मैंने ए सेट लिखा, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन में ले रही हूँ बी सेट के साथ. आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो हमारे पास एक एम्प्टी सेट आएगा जिसको हम नल सेट भी कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई के साथ. ठीक है, अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो गई है, मुझे राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है. राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू, मैंने बी सेट लिया उसका इंटरसेक्शन लिया ए सेट के साथ, तो मेरे पास यहाँ पर भी एम्प्टी सेट ही आ रहा है क्योंकि दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. एम्प्टी सेट्स को हम फाइव के साथ भी डिनोट कर सकते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड. आप देख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही आ गई है. देयर फोर दीज सिंबल्स आर यूज फॉर देयर फोर. देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव. अब फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर लिया, इसी तरह हमने सेकेंड पार्ट भी प्रूफ करना है अपना, और अपना थर्ड पार्ट भी इसी पैटर्न पे आप लोगों ने सॉल्व करना है. अब सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन सी है और राइट हैंड साइड सी इंटरसेक्शन बी है. ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन बी. ठीक है, बी इंटरसेक्शन ये फाइंड आउट करने के लिए पहले आपने बी सेट लिया बिकॉज यहाँ पे मेरे पास बी है, उसका इंटरसेक्शन ले रही हूँ सी सेट के साथ. अब आप देख सकते हैं कि इनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है, टू नहीं है, फोर भी नहीं है, सिक्स. बोथ सेट्स में मेरे पास सिक्स क्या आ रहा है कॉमन, तो मैंने सिक्स लिख लिया, एट भी नहीं है, टेन भी नहीं है. सो सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है विच इज सिक्स. ओके, नाउ राइट हैंड साइड मेरे पास है सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू सी सेट इज 3, 6, 12, 18, 21 और मैं उसका इंटरसेक्शन ले रही हूँ बी सेट के साथ, तो मेरे पास दोनों सेट्स में सिर्फ मेरे पास एक ही कॉमन एलिमेंट आ रहा है विच इज सिक्स. सो मैंने लिख दिया कर्ली ब्रैकेट सिक्स इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड. ओके, मतलब आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड का आंसर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही आया, सो देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव. ये पॉइंट भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया. अब हमारे पास थर्ड जो पॉइंट था, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन है. अब हमें यह थर्ड पॉइंट प्रूव करना है. सिमिलरली वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड लिया ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ए सेट पुट करना है, इंटरसेक्शन बी सेट पुट सी सेट पुट करना है, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है. इंटरसेक्शन के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट है विच इज़ थ्री, सो आंसर मेरे पास आ रहा है थ्री. राइट हैंड साइड ली सी इंटरसेक्शन ए, सी सेट लिखा, इंटरसेक्शन लिया ए सेट के साथ, दोनों सेट्स में हमारे पास सिर्फ थ्री एक ही एलिमेंट है जो कॉमन आ रहा है, सो मैंने लिख दिया थ्री इज इक्वल्स टू, ये जो आंसर आया है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही आया है, देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव. सो इस तरह हमने अपने थ्री पार्ट्स प्रूव कर लिए हैं और हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है वो प्रूव हो चुकी है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. If A is equals to this and B is equals to this and C is equals to this, then prove the associative property of union of sets. अब basically associative property of union of sets क्या है, अगर मैं A union B लेती हूँ, ठीक है, और उसका union लेती हूँ C के साथ, ठीक है, और यहाँ पर मैं B union C लेती हूँ और उसका union लेती हूँ फिर A के साथ, तो दोनों जो रिजल्ट हमें देंगे वो इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स है. अगर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के रिस्पेक्ट से आ जाती है तो आपने सिर्फ यूनियन का साइन किस में कन्वर्ट कर देना है, इंटरसेक्शन में. अब यूनियन ऑफ सेट्स है तो मैंने यूनियन का साइन डाला, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होगा तो आप इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे. सो हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और यूनियन ऑफ सेट्स प्रूव करने के लिए ये
प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमें ये गिवन है और राइट हैंड साइड हमें ये गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, मतलब हमें पहले जो ब्रैकेट में टर्म है उसको सॉल्व करना है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। ए सेट लिखा, उसका यूनियन लिखा लिया बी सेट के साथ, तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। और फिर ए यूनियन बी का मैंने यूनियन लेना है किस सेट के साथ, सी के साथ। ए यूनियन बी का मैंने यूनियन लेना है सी सेट के साथ। ए यूनियन बी का आंसर जो मेरे पास ऊपर आया है वो मैंने लिख लिया, उसका यूनियन लिया मैंने सी सेट के साथ। व्हाट इज़ द सी सेट, 5, 10, 15, 20, और इन दोनों का यूनियन लेने के बाद मेरे पास आंसर ये आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अरेंज करके मैंने लिखा तो ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड हमने लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूफ कर चुके हैं, अब राइट हैंड साइड आप लोगों ने लेनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि हम ब्रैकेट वाली टर्म पहले सॉल्व करते हैं, तो यू हैव टू फाइंड आउट द बी यूनियन सी फर्स्ट एंड देन टेक इट्स यूनियन विद द सेट ए, ठीक है। अब बी यूनियन सी पहले फाइंड आउट करना है आप लोगों ने। बी यूनियन सी के लिए पहले बी सेट लिखा, उसका यूनियन लिया सी सेट के साथ, तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है। एंड देन बी यूनियन सी का मैंने यूनियन किसके साथ लेना है, ए सेट के साथ। ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ए सेट लिखा, उसका मैंने यूनियन लिया बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी का जो आंसर आ रहा था ना, ये जो आप लोगों ने बी यूनियन सी निकाला है वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। ऑब्वियसली ए सेट लिखा आपने पहले, बीच में यूनियन का साइन, देन बी यूनियन सी का जो आंसर आया था वो आप लोगों यहाँ पर पुट करना है। देन उन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है, तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। थोड़ा सा मैंने अरेंज कर किया इस सेट को, तो आप लोग देख सकते हो कि ये सेट मेरे पास इक्वल्स टू आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा मेरे पास आंसर आ रहा था, या लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास जो आंसर आ रहा था वही मेरे पास राइट हैंड साइड में भी आंसर आया है। सो देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। सो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स प्रूव हो चुकी है। ओके ओके जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है। MCQs आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। नाउ कम टू योर नेक्स्ट चैप्टर विच इज अबाउट रैशनल नंबर्स। सो बेसिकली द रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। रैशनल नंबर्स बेसिकली हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। वेयर बी एंड क्यू बिलोंग करते हैं इंटीजर्स से, ठीक है। एंड कंडीशन हमारे पास है कि p इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, q को ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास वो अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है। लाइक अगर मेरे पास p इज़ इक्वल्स टू वन है और q मैं ज़ीरो ले लेती हूँ, ठीक है, तो वन बाय ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू अनडिफाइंड फॉर्म। मैथ्स में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, विच इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो हमारे पास कंडीशन है p और q इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर q को ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर ज़ीरो आ गया तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। आप इंटीजर्स को जिस तरह z से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को जो वन से स्टार्ट होते हैं उनको n से डिनोट करते हैं, और होल नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं उसको ज़ीरो w से डिनोट करते हैं, इसी तरह रैशनल नंबर्स को आपने कैपिटल Q से डिनोट करना होता है, ठीक है। ठीक हो गया, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 20। सो द डेफिनेशन फॉर रैशनल नंबर्स आर, रैशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। रैशनल नंबर्स में हमारे पास वो नंबर्स आ जाते हैं जो जिसमें हमारे पास इंटीजर्स होते हैं और फ्रैक्शंस होते हैं। अब इंटीजर्स कैसे रैशनल नंबर है, लाइक दिस इज़ इंटीजर, ठीक है, ये मेरे पास एक इंटीजर है, ठीक है, तो इसको मैं इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन या पी बाय क्यू की फॉर्म में कैसे लिखूंगी। मैंने आप लोगों को ये बताया था ना कि रैशनल नंबर्स को तो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये पी बाय क्यू की फॉर्म तो वैसे नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये पी बाय क्यू की फॉर्म कैसे बना सकते हैं हम लोग इसको। टू के नीचे कोई नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली वन है, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है। लाइक अगर टू के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है,
ठीक है, इसी तरह डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो उस वहाँ पर वन ही होगा। तो बेसिकली ये मेरे पास पी बाय क्यू की फॉर्म है, दिस इज़ पी एंड दिस इज़ क्यू, सो आई कैन से दैट दिस टू इज़ अ रैशनल नंबर्स। ठीक है, और अगर मेरे पास कोई 5/7 आ जाता है, ये फ्रैक्शंस में नंबर है, ये तो सारे ही मेरे पास रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इनको मैं रैशनल नंबर्स ही बोलूँगी क्योंकि ये पी बाय क्यू की फॉर्म में आ रहे हैं और इजीली आप इसको रिकोगनाइज कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में नंबर्स हैं, क्वेश्चन फॉर्म में नंबर्स हैं, तो ये रैशनल नंबर्स ही होंगे। अब कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे? अब मतलब इरेशनल नंबर्स बेसिकली आपके पास वो नंबर्स होते हैं जिनको हम क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब वो कौन से नंबर्स हैं? अब मेरे पास पाई, इस सिंबल को कहते हैं पाई। ठीक है, इसकी जो मैथ्स में वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू होती है वो 3.141 सो ऑन, इसकी वैल्यू चलती जाती है, मतलब कहीं पे भी स्टॉप नहीं है इसका, इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी चलती जाएगी चलती जाएगी, कहीं पे भी इसका कोई स्टॉप नहीं है, कहीं पे भी इसकी वैल्यूज या डिजिट्स नहीं रुक रहे। सो क्या आप इस वैल्यू को क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, जब तक हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होंगे आफ्टर डेसिमल, तो आप इसको कैसे क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? अगर मेरे पास कोई ऐसी, मतलब ये अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ले लेती हूँ 5.78, तो मैं इसको इजीली क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। लाइक अगर मैंने यहाँ पे डेसिमल रिमूव किया तो नीचे वन के बाद टू जीरोज आएंगे, तो ये पी बाय क्यू की फॉर्म ही बनती है, लेकिन यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो मैं इसको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये मेरे पास इरेशनल नंबर है। इसी तरह एक स्क्वेयर रूट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 3 की जो मेरे पास वैल्यू आती है वो 1.7320 है। स्क्वेयर रूट्स आप लोगों ने अभी नहीं पढ़े, जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, कि स्क्वेयर रूट ऑफ 3 की वैल्यू जो है 1.7320 सोन, इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी तक चलती जाएगी, कहीं पे भी इसका एंड नहीं है, तो सो स्क्वेयर रूट ऑफ 3 इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सो समराइज करके जब किया जाए तो ये आप लोगों को यही पता चलता है कि फ्रैक्शंस में जो नंबर होंगे या क्वेश्चन फॉर्म में जो नंबर्स होंगे वही रैशनल नंबर्स होंगे, अदरवाइज वो रैशनल नंबर्स में काउंट नहीं होंगे अगर उनकी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स चलते जा रहे हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो वो आप लोग रैशनल नंबर्स, जिन नंबर्स को कहोगे वो रैशनल नंबर्स में काउंट नहीं होंगे। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों को बता भी दिया गया है कि अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि नंबर जो वो नंबर जिसको पी बाय क्यू की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और क्यू वहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या आएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर की एग्जाम्पल्स दी हुई है, 2/3, -3/4, -4/7, ये सारी इरेशनल नंबर्स की मेरे पास एग्जाम्पल है। इसी तरह 0 भी मेरे पास एक इरेशनल नंबर ही है क्योंकि 0 के नीचे भी मैं 1 पुट कर सकती हूँ, तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे इरेशनल नंबर भी हमें डिफाइंड हुआ हुआ है। इरेशनल नंबर्स आर अनविजिबल नंबर्स दैट रिफ्यूज टू एक्सप्रेस एज अ क्वोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स। वही मैंने आपको लोगों को बताया, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिनको हम क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिख सकते। लाइक जो एग्जाम्पल दी में वो पाई है, अंडर स्क्वेयर रूट 3 है, ये बहुत नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं क्योंकि इसमें आफ्टर डेसिमल इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स चलते जा रहे थे जिनको हम क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो बेसिकली जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं उनमें हमारे पास कौन कौन से सेट्स, वैसे मतलब नंबर्स आ रहे होते हैं रैशनल्स में? रैशनल नंबर्स में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 होते हैं एंड कॉमन फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, इन सब नंबर्स को हम पी बाय क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये मेरे पास सारे के सारे नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। एक और बात बताती चलूँ कि नेचुरल नंबर्स जो है हमारे पास वो सबसेट होता है होल नंबर्स का, बिकॉज नेचुरल नंबर्स में एलिमेंट है वन, नेचुरल नंबर्स में जो एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, होल नंबर में 0, 1, 7 अप टू चलते जाएंगे, मतलब नेचुरल नंबर लाइक कर रहा है होल नंबर के अंदर। सो होल नंबर्स जो है
नेचुरल नंबर्स जो है होल नंबर का क्या हुआ, सबसेट। इसी तरह होल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का। इंटीजर्स में मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सारे आ जाते हैं, ठीक है। ये मेरे पास इंटीजर्स हैं 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, तो मेरे पास होल नंबर्स यहाँ से बेसिकली स्टार्ट हो रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन टू अप टू जहाँ तक भी एंड है या फिर इन्फिनिटी तक भी जाते हैं होल नंबर्स। तो बेसिकली होल नंबर्स आर द सबसेट्स ऑफ इंटीजर्स। और आगे इंटीजर्स मेरे पास सबसेट है रैशनल नंबर्स के, क्योंकि रैशनल नंबर्स में हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाते हैं, कॉमन फ्रैक्शंस भी आ जाती हैं। सो मेरे पास यहाँ पर वेन डायग्राम के थ्रू इस रिलेशन को कैसे बताया गया है कि ये सबसे बड़ा सेट मेरे पास कौन सा है, रैशनल नंबर्स का। उसके अंदर जो लाइक कर रहा है वो है इंटीजर्स, देन इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स, एंड देन होल नंबर्स के अंदर नेशनल नंबर्स। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट सेट मेरे पास नेशनल नंबर्स के है, और सबसे लार्जेस्ट सेट जो है वो रैशनल नंबर्स के, और बाकी जो नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं होंगे उनको ऑब्वियसली इरेशनल नंबर्स ही कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, 6 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। ये वही वाली बात जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि 2 था तो उसके नीचे मैं 1 खुद पुट कर देती हूँ तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है। सो सिमिलरली 6 है तो 6 के नीचे मैं 1 पुट कर दूंगी तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट एक्सप्रेस हो जाएगा, और उसको मैं रैशनल नंबर कह दूंगी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21। अच्छा, हम रैशनल नंबर्स को थ्रू नंबर लाइन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो कैसे, वो थ्रू एन एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे पास एग्जांपल नंबर 3 है, रिप्रेजेंट -2/5 ऑन द नंबर लाइन। आपको रिप्रेजेंट करना है -2/5 को नंबर लाइन में, और वो कैसे करेंगे आप लोग, लेट्स सी। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना है, किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को ड्रॉ कर लेनी है नंबर लाइन, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली आपको पता है नंबर्स कैसे लिखने हैं। यहाँ पे मिड में 0, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होंगी, 0, 1, 2, 3, सो ऑन अप टू 4, 5, 6, 7 चलती जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं -1, -2, -3, यहाँ पर वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही होती हैं, और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आप लोग के वैल्यूज़ इंक्रीज होती हैं, एंड टू द लेफ्ट आपके पास वैल्यूज़ डिक्रीज हो रही होती हैं, ठीक है। अब मुझे इस नंबर को -2/5 है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, 5। सो यू हैव टू डिवाइड ईच सेगमेंट इन टू 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अगर 5 है तो आप इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 6 हुआ तो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा, 7 हुआ तो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिएगा। ये डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या नंबर है, उसके अकॉर्डिंगली आपको हर एक सेगमेंट को डिवाइड करना होता है, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 5 है तो मैंने 0 to 1 इस सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो कैसे देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है। इसी तरह नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो मैंने पूरी होल नंबर लाइन को, नंबर लाइन की हर एक सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हर एक लाइन जो है मुझे, मेरे पास जो है वो रिप्रेजेंट करी है 1/5 को, ठीक है। ये 0 है, ये 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, देन 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, ओके। और इसी तरह नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं तो -1/5, -2/5, हमने रिप्रेजेंट क्या करना था, -2/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो इसका डिनोमिनेटर 5 है एंड न्यूमिनेटर है -2, तो -2 मेरे पास, अगर यहाँ पे -1 है तो -2 मेरे पास यहीं लाइक करेगा। आप लोगों ने इसको करना है थोड़ा सा हाई लाइट एंड उसके ऊपर लिखना है -2/5, ठीक है। इसी तरह आप इसी पैटर्न पे कि कोई भी आपके पास रैशनल नंबर आ जाए तो आप लोगों को रैशनल नंबर को इसी तरह ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं यहाँ पर, तो मेरे पास नेगेटिव -2 था ना, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट साइड पे मैंने इस नंबर को रिप्रेजेंट किया। अगर यहाँ पे लेट सपोज +2 होता तो मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करती इस रैशनल नंबर को, ठीक है।
लाइक ये जीरो है, वन है, टू है, तो यहाँ पे 2/5 लाई करता, ठीक है। बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर, कि अगर 5 है तो मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में ईच सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली अपने राशन नंबर को रिप्रेजेंट कर देना है नंबर लाइन पर, ठीक है। अब नाउ कम टू दिस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन। वाई द फ्रैक्शन इक्वलेंट टू द नंबर, नंबर मेरे पास गिवन है उसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसको इसको मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, और बताना है कि क्या ये मेरे पास राशन नंबर आता है। देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है -3 × 2। पहले मैंने -3 × 2 सॉल्व कर लेना है, फिर 25 − 18 और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में, ऑब्वियसली ये डिवीजन का साइन है तो क्वेश्चन के फॉर्म में ही हमारे पास आंसर आएगा। -3 × 2 इज इक्वल्स टू -6, ठीक है। 3 × 2 = 6 एंड ± = - साइंस जो आप लोगों के पास जो हैं वो हैं प्लस प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, ठीक है। प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस एंड माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस। सेम साइंस जब होंगे आपके पास तो आंसर आपके पास हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, लाइक ये सेम साइंस थे तो आंसर पॉजिटिव था, ये सेम साइंस थे तो पॉजिटिव ही आंसर था। जब साइन डिफरेंट हो जाएंगे तो आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा, जैसा एक प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है। तो आपने वैसे ही इन फ्रैक्शन इसका जो मतलब आंसर आ रहा है 3 × 2, 3 × 2 = 6 और साथ प्लस माइनस माइनस आ गया, 25 − 18 इज इक्वल टू, माइनस करने के बाद आंसर आ रहा है 7। सो इन फ्रैक्शन मैंने इस टर्म को कैसे लिख दिया, -6/7 विच इज़ अ राशन नंबर, ठीक है, जो हमारे पास एक राशन नंबर है, और यही मेरे पास आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर टू है, एक्सप्रेस -3/5 एज अ राशन नंबर विद न्यूमिनेटर 6 एंड डिनोमिनेटर -15। अब मेरे पास एक राशन नंबर है -3/5, ठीक है, उसको मैंने उसका न्यूमिनेटर, इसको मैंने ऐसे एक राशन नंबर में एक्सप्रेस करना है जिसका न्यूमिनेटर 6 होगा और डिनोमिनेटर -15 होगा। उसके लिए आप लोगों को क्या क्या करना है, -3/5 लिया, अब मुझे न्यूमिनेटर विच इज़ अ वट इज़ अ न्यूमिनेटर, ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो मुझे इस न्यूमिनेटर को कन्वर्ट करना है 6 में और डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है -15 में। अब पहले तो मैं न्यूमिनेटर ले लेती हूँ, न्यूमिनेटर 6 लाना है, तो उसके लिए पहले मैं देखूंगी इसको, ठीक है। पहले मैंने न्यूमिनेटर देखना है कि -3 के साथ मैं क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरे पास 6 आंसर आ जाएगा, -2, ठीक है, क्योंकि 3 × 2 = 6 आ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास आ जाएगा +6। अब मैं जो चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई कर रही हूँ वही चीज़ मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अगर -2 न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डिनोमिनेटर में भी मुझे -2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 6, प्लस माइनस माइनस एंड 5 × 2 = 10, ठीक है। तो 6/10 इज़ द आंसर। बस आप लोगों ने करना क्या है, जो भी राशन नंबर दिया होगा, न्यूमिनेटर अगर 6 है तो न्यूमिनेटर 6 बनाना है, न्यूमिनेटर अगर 10 दिया हुआ है तो आपने उसी के अकॉर्डिंगली वर्क काम करना है, और उसके न्यूमिरेटर को उसी के इक्वल बनाकर आप लोगों को सॉल्व करना है। जो नंबर आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उसको लाजमी तौर पर नीचे भी मल्टीप्लाई करना होता है, लाइक अगर एक नंबर हम एक साइड पे ऐड करें तो इक्वालिटी के दूसरे साइड पे भी उसको ऐड किया जाता है, माइनस करें तो दूसरी साइड पे भी माइनस किया जाता है। अब पार्ट टू है, -3/5 और डिनोमिनेटर बनाना है मुझे क्या, -15। अब 5 ये मेरे पास डिनोमिनेटर है, अब इसको मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरे पास -15 आंसर आ जाएगा, ऑब्वियसली -3 के साथ, तो 5 × 3 = -15। अब मैं नीचे डिनोमिनेटर में -3 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे ऊपर भी वही काम करना है कि -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन मेरे पास आंसर आ रहा है माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, क्योंकि सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और यहाँ पे एक प्लस है माइनस है, ऑपोजिट साइन है तो नेगेटिव में आंसर आएगा, 5 × 3 = 15 विच इज द आंसर। ओके, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व करेंगे। Now come to the exercise 2A. Question number 1 is which of the following are rational numbers? अब हमने बताना है कि इनमें से कौन से जो parts हैं या कौन से numbers हैं वो क्या हैं, rational numbers हैं। क्या 3 rational number है? Yes, क्योंकि इसको मैं fraction की form में लिख सकती हूँ 3/1, so it's a rational number, ठीक है। यहाँ पे बेशक आर लिख लें आप लोग। पार्ट टू इज 3/1, यस ऑब्वियसली ये तो हमें साफ पता चल रहा है पी बाय क्यू की फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर ही है। थर्ड, 3/0 इज अ रैशनल नंबर? नो, क्योंकि
क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी तो उसमें तो कंडीशन ही ये थी कि जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, वो जीरो की इक्वलेंट नहीं होगा, सो इट्स नॉट अ रैशनल नंबर. ठीक है, पार्ट फोर माइनस थ्री बाई वन, ओबियसली पी बाई क्यू की फॉर्म है तो ये रैशनल नंबर है, फिफ्थ भी रैशनल नंबर है, थ्री भी सिक्स भी रैशनल नंबर है, ओबियसली पी बाई क्यू की फॉर्म है, सेवन जीरो बाई जीरो, नो इट्स नॉट अ रैशनल नंबर क्योंकि इसमें फिर डिनोमिनेटर में मेरे पास जीरो आ गया तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर नाइन टू इज राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज इंटीजर्स. अब इन रैशनल नंबर्स को आपको एज ए इंटीजर लिखना है. सेवन बाय वन इज इक्वल टू सेवन हम लिख सकते हैं ना, इसके नीचे वन लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया. पार्ट टू माइनस फाइव बाय वन, इसी तरह इसमें भी इज इक्वल टू माइनस फाइव आंसर आ जाएगा, वन लिखे ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पार्ट थ्री इज इक्वल टू माइनस नाइन, ये भी इंटीजर में कन्वर्ट हो गया. एंड पार्ट फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी वन, अगर माइनस माइनस से भी कैंसिल कर दें तो हमारे पास 21 आता है. या एक और मेथड है कि हम माइनस वन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें माइनस वन से, तो माइनस माइनस प्लस और ऊपर भी प्लस हो जाएगा और आंसर 21 आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह हमने इन सारे रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट कर लिया इंटीजर्स में. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट डन द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाई टू एंड हुज डिनोमिनेटर इज 21 माइनस टू. ठीक है, अब रैशनल नंबर लिखना है जिसका न्यूमिरेटर है माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाई टू और जिसका डिनोमिनेटर है 21 माइनस टू. तो वो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो ये है, न्यूमिरेटर आपके पास जो गिवन है वो है माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाई टू, सेवन टू ज़ा 14 एंड प्लस माइनस माइनस, डिनोमिनेटर है 21 माइनस टू, सो 21 माइनस टू इज इक्वल्स टू 19. सो रैशनल नंबर मेरे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में मैंने इसको लिखना है, तो रैशनल नंबर मेरे पास क्या आएगा, न्यूमिरेटर मेरे पास माइनस 14 है एंड डिनोमिनेटर मेरे पास 19 है, सो द रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू माइनस 14 ओवर 19, दिस इज द आंसर. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फाइव है, एक्सप्रेस माइनस थ्री बाई सेवन एज अ रैशनल नंबर हुज न्यूमिरेटर इज सिक्स, पार्ट वन इज सिक्स. ये हमने एग्जाम्पल भी किया है लेकिन फिर भी आपको बताती चलूँ कि इन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी वैसे ही आप लोगों ने सेम पैटर्न ही फॉलो करना है, फिर भी आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि सिक्स है मेरे पास, एक्सप्रेस करना है इस रैशनल नंबर को जिसका न्यूमिरेटर एज अ रैशनल नंबर इसको एक्सप्रेस करना है जिसका न्यूमिरेटर मेरे पास होगा सिक्स, न्यूमिरेटर. ठीक है, दिस इज़ अ न्यूमिरेटर, इसको मैंने कन्वर्ट करना है सिक्स में, तो माइनस थ्री के साथ मैं क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूँगी कि वो सिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ओबियसली माइनस टू. ठीक है, माइनस टू मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो नीचे भी मुझे माइनस टू के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हेयर इट इज सेवन नॉट सिक्स. तो माइनस माइनस प्लस, थ्री टू ज़ार सिक्स, सेवन टू ज़ार फोर्टीन, प्लस माइनस माइनस. तो आप देख सकते हैं कि हमने इसके न्यूमरेटर को कन्वर्ट कर दिया है सिक्स में. ठीक है, अब सेकंड है माइनस फिफ्टीन, अब न्यूमरेटर हमने क्या लाना है, माइनस फिफ्टीन. अब माइनस थ्री के साथ मैं क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूँगी कि मेरे पास न्यूमरेटर माइनस फिफ्टीन आ जाएगा, फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी. ठीक है, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, साथ प्लस माइनस माइनस होता है. अब मल्टीप्लाई फाइव से कर रही हूँ तो नीचे मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइव के साथ, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन प्लस माइनस माइनस, सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव, सो दिस इज़ द आंसर. इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने होमवर्क करना है, पार्ट थ्री एंड फोर, ये आप लोगों का होमवर्क है जो आप लोगों ने अपनी कॉपीज पे करना है. पहले आप लोग अपना क्लास वर्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद होमवर्क्स में जो भी पार्ट मिलते हैं वो आप लोगों ने करने. ठीक है, पार्ट थ्री एंड फोर आप लोगों का होमवर्क है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्सप्रेस माइनस टू ओवर माइनस फाइव एज अ रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज. अब मेरे पास एक नंबर है माइनस टू ओवर माइनस फाइव, इसको मैंने एज अ रैशनल नंबर एक्सप्रेस करना है जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट इज फाइव. माइनस टू ओवर माइनस फाइव, अब मैं इस डिनोमिनेट माइनस फाइव को कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ फाइव में, मुझे इसका डिनोमिनेटर को बनाना है फाइव, तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूंगी कि वो फाइव में कन्वर्ट हो जाए, ओबियसली माइनस वन से. नीचे मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो भी माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू टू, टू मल्टीप्लाई बाई वन टू आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव, तो इसका डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो गया, फाइव में. ठीक है, इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, पार्ट टू थ्री फोर इज होमवर्क फॉर यू. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेवन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर. अब आपके पास ये रैशनल नंबर्स गिवन है, इनके डिनोमिनेटर्स को, इस रैशनल नंबर को आपने एक्सप्रेस करना है विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, मतलब इनके डिनोमिनेटर्स को आपने पॉजिटिव बनाना है. लाइक पार्ट वन इज सेवन ओवर वन, माइनस सेवन ओवर वन, तो मैं सॉरी हेयर इज नॉट अ माइनस,
माइनस हमारे पास मिड में आ रहा है. सो माइनस सेवन ओवर वन इज इक्वल्स टू माइनस में सेवन के साथ ले जाऊंगी और नीचे मेरे पास वन आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में. इसी तरह सेकंड पार्ट है माइनस फाइव ओवर माइनस टू. अब इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए मैंने नीचे माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल जब मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई नीचे कर रही हूँ तो मुझे ऊपर भी वही काम करना पड़ेगा, तो मैंने ऊपर भी माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है, माइनस माइनस प्लस फाइव वन मल्टीप्लाई बाई वन इज इक्वल टू फाइव, माइनस माइनस प्लस टू मल्टीप्लाई बाई वन इज इक्वल टू टू. सो इसका डिनोमिनेटर भी किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव प्लस टू में. ठीक है, पार्ट थ्री इज माइनस थर्टी वन ओवर माइनस थ्री. सिमिलरली वैसे ही माइनस वन से इसका डिनोमिनेटर को प्लस करने के लिए माइनस वन से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय माइनस वन करना पड़ेगा. माइनस थर्टी वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इज इक्वल टू थर्टी वन, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इज इक्वल टू थ्री. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, पार्ट फोर में अब मिड में हमें नाइन ओवर नेगेटिव गिवन है एंड फ्रैक्शन है नाइन ओवर फाइव, तो मैं नेगेटिव साइन शिफ्ट कर देती हूँ माइनस नाइन के साथ, तो माइनस नाइन ओवर फाइव आ जाएगा मेरे पास आंसर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर. सो इट्स अ आंसर. क्वेश्चन नंबर एट इज होमवर्क फॉर यू. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में बताया था, वेट, एग्जाम्पल में मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि कैसे आपने एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर को. अगर मेरे पास यहाँ पे माइनस इलेवन बाय फोर है ना, माइनस इलेवन नेगेटिव साइन मेरे पास मिड में आ रहा है, तो मैं इसके साइन को नेगेटिव साइन को इलेवन के साथ भी शिफ्ट कर सकती हूँ, इस पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो माइनस इलेवन बाय फोर मेरे पास रैशनल नंबर है, उसको मैंने एक्सप्रेस करना है ऑन द नंबर लाइन. सिमिलरली अब फोर है, माइनस इलेवन बाय फोर है, तो आपने वैसे ही अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, और जहाँ पर फाइव था तो मैंने फाइव इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पर फोर है तो आप इनको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. यहाँ पे भी फोर, यहाँ पे भी फोर पार्ट्स, यहाँ पे भी फोर पार्ट्स, वहाँ पे भी फोर पार्ट्स. उसी तरह काउंट करना स्टार्ट करेंगे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन माइनस टेन माइनस इलेवन. जहाँ पे भी माइनस इलेवन आएगा उसको करना है थोड़ा सा हाईलाइट एंड देन अपना रैशनल नंबर लिख लेना. ठीक है, इसी तरह माइनस टू है, माइनस टू के लिए तो बहुत इजीली आप लोग लिख सकते हो, लाइक ये मेरे पास नंबर लाइन है, उसको तो पार्ट्स में भी इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. जस्ट यहाँ पे माइनस टू है, उसको करोगे सर्कल और ये माइनस टू रिप्रेजेंट हो गया. टू ओवर फाइव है, वैसी नंबर लाइन ड्रॉ की, इक्वल फाइव इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और यहाँ पे टू बाय फाइव है तो ये जीरो है, वन है, टू है. ठीक है, तो ये टू बाय फाइव आ जाएगा. माइनस थ्री बाय फाइव है, इसी तरह नेगेटिव साइन में माइनस थ्री के साथ शिफ्ट कर देती हूँ तो माइनस थ्री बाय फाइव हो जाएगा, फाइव इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इसी तरह, और माइनस थ्री बाय फाइव का आएगा ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री है तो ये माइनस थ्री बाय फाइव है. बस आपके पास फर्स्ट पार्ट में फोर है तो आपने इसको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अपने नंबर को रिप्रेजेंट करना है ऑन अ नंबर लाइन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन इज डू बोथ माइनस टू ओवर थ्री एंड टू ओवर माइनस माइनस थ्री रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव नंबर. क्या माइनस टू ओवर थ्री एंड टू ओवर माइनस थ्री रिप्रेजेंट करते हैं सेम नेगेटिव नंबर को. माइनस टू बाय थ्री तो मैंने एज इट इज लिखा, और टू ओवर माइनस थ्री के लिए मैंने क्या किया, माइनस इसके डिनोमिनेटर को प्लस करने के लिए मैंने किया माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन एंड टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू बाय थ्री. मतलब दोनों रैशनल नंबर्स मेरे पास सेम है, सेम नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, और इन दोनों रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द सेम नेगेटिव रैशनल नंबर. सो इट्स आंसर इज येस. ओके स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज टू ए. आई होप यू लाइक द लेसन एंड अंडरस्टूड. Inshallah, we will do our next exercise in the next session. Till then, Allah Hafiz, take care.